रुको रुको, तुम कह सकते हो कि ये मेरा शानदार नया फोन केस है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया या फिर मैंने इसे क्यों बनाया। मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूँगी। मैथ क्लास किस तरफ है? वो कीला फर्श। ओ नहीं, फिर नहीं। अरे यार, मेरा फोन और केस पूरा खराब हो गया। मुझे नहीं लगता ये अब निकलेगा। बुरी किस्मत। वैसे ये काफी कूल है। नेल पॉलिश सिर्फ नेल्स पेंट करने से भी ज्यादा काम कर सकती है। थोड़ी पानी में डालें, ज़िगज़ैग मोशन में। देखा ये इसमें कैसे तैर रहे हैं? अब इसमें सीधा केस रख दें और थोड़ा सा हिलाएं। ये देखो, ये अच्छे से सूख भी गया। हजारों में से एक। और ये ऐसे बना था दोस्तों। मुझे कलरिंग बहुत पसंद है। मॉम, मैंने कार बनाई। अब मुझे और पेपर चाहिए। ओह ठीक है हनी, ये लो। मैं एक पर्पल सन बनाऊंगा। मुझे और पेपर चाहिए मॉम। इतनी जल्दी कर लिया? हाँ लो। ओ, पेपर तो खत्म हो गया। माफ करना हनी, और ड्राइंग पेपर नहीं है। ओह नहीं, रो मत, कोई बात नहीं। मुझे पता है क्या करना है। मुझे एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। अब एक ड्राइंग बनाएंगे। आज के युग में मुझ पर ही गया है। जी हाँ, ड्राइंग बन चुकी है। अब हम इसे पैकेजिंग टेप से लेमिनेट करेंगे। हो गया, इसे साथ में जोड़ दे। हे हनी, देखो मेरे पास क्या है। तुम्हें इस टर्टल को कलर करना है। देखो इस तरह, और तुम जितनी बार चाहो उतनी बार इसको कलर कर सकते हो। बढ़िया है ना? मुझे दो। मैं इस हॉर्सी को कलर करूंगा। ओह हाँ, वैसा ही बन रहा है। हो गया, मैंने बहुत गंद मचा दिया। मैं इसे कहाँ रखूं? यहाँ जगह नहीं है। यहाँ रख देता हूँ, बस ये परमानेंट ना हो। ओह कितना सुंदर है और कितनी बढ़िया डिटेल है। लेकिन इसमें और कलर होना चाहिए था। हाँ इसी तरह। क्या तुम उस चेयर पर बैठ गए? चेयर और किसके लिए होती है बेवकूफ। ओह नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरी स्कर्ट नई है। ओ, मुझे उसे वॉर्न करना चाहिए था। और अब मुझे एक नई पैलेट चाहिए। रुको, वो देखो, ये काम आएगा। परेशानी हल हो गई। ये कितना जबरदस्त है मैट, मेरा पॉपर। हर चीज अपनी जगह पर रखता है। देखो आज की आर्ट क्लास बहुत बोरिंग है। हम एप्पल्स बना रहे हैं। चलो यहाँ से देखिए। जी पेंसिल से क्या कर रहा है? ये किस तरह की स्केचिंग सॉर्सरी है? वो शायद वो साइज मेजर कर रहा है। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। हे, इसने काम किया। थोड़ी शेडिंग और कुछ लाइंस बन गया। ओह, ये सुंदर तो नहीं है। जेक ने क्या किया? ये तो बिल्कुल मॉडर्न डे सीजन की तरह है। और मेरा तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे से बच्चे ने बनाया हो। मैं ये नहीं ले सकती। मेरी ड्राइंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। मैं इन रबर बैंड्स को तो भूल ही गई थी। मैं बहुत समझदार हूँ। एक पेंसिल ले और एक और पेंसिल से उसका परपेंडिकुलर बनाए। अब एक बड़ा रबर बैंड ले और इन दोनों पेंसिल्स पर लगा दे। कई बार घुमाए और बिल्कुल टाइट कर दे। दूसरी साइड से भी करें। अब देखो, चलो इसे दोबारा ट्राई करें। क्या मैं देख सकती हूँ? शुक्रिया।
अगर आप एक पेंसिल से ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे तो नीचे बिल्कुल वैसा ही बनता जाएगा। कूल है ना? वो मुंह में मक्खी चली जाएगी जे। चलो अपनी मास्टरपीसेस दे दो। मेरा बहुत अच्छा है तेज। तुम चीटर हो। और अब आखिरी रंग पर्पल। ध्यान दीजिए प्लीज, अभी से पूरा नहीं हुआ। हम रेनबो ड्रॉ करेंगे। गेम शुरू करते हैं। ये नहीं भूल सकते, हमेशा रेड से शुरू करते हैं। देखा, ये अभी से रेनबो लग रहा है। मैं ज्यादा मार्कर्स नहीं चलाती। अपना काम करो। वो कुछ भी नहीं कर रही। हे, ये तो पॉपिट है ना? मुझे बहुत पसंद है और मुझे यही वाला चाहिए। हाँ, कितना बढ़िया है ना? पर मैं इसे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। हर लाइन का एक अपना कलर होगा। बस थोड़ा सा यहाँ। हाँ, होल्स कैसे भूल सकते हैं? अब इसे पलटा देंगे। हाँ, ये कितना सैटिस्फाइंग है ना? बिल्कुल इसके जितना सैटिस्फाइंग। टीचर, हाथ ऊपर। हे, अब हम तैयार हैं। वाह, कितने सुंदर कलर्स हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना। ठीक है, तुमने काफी अलग सोचा। प्यारा है ना? ट्राई करना चाहोगे? दिल बनाना कितना ही मुश्किल होगा। बस दो कर्व लाइंस। मैंने कब से नहीं बनाया। चलो दोबारा ट्राई करें। एक कर्व यहाँ। मुझसे नहीं हो रहा। साइड जीवन नहीं बन रही। मैं इसमें हमेशा ही लगा रहूंगा। शायद ये ग्रिड मदद करे। मैं हर स्क्वायर इस्तेमाल करूंगा। एक एक करके नीचे जाएंगे। आधा हो चुका है। अब ऊपर का हिस्सा। अलग अलग रंग में ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा और। शानदार। ये देखो, काफी अलग बनाया है। और ये वाला मेरे हिसाब का नहीं है। इस बार मैट ने काफी अच्छा किया। ओह हाँ, इम्प्रॉम्प्टू मूवी नाइट सबसे अच्छी होती है, जब तक वो किसी जरूरी काम के बीच में नहीं आती। मैं अपनी माँ का बर्थडे गिफ्ट लाना भूल गया। मैं उनके लिए एक DIY गिफ्ट बनाऊंगा। माँ को ये बहुत पसंद आती है ना? क्या तुम ठीक हो एडम? ठीक है, ये काम करेगा। वैसे ये है तो अच्छा, लेकिन ये आंखों को इतना लुभाएगा नहीं। तुमने यहाँ गन मचाया हुआ है। हे, ये अच्छा है। मैं यहाँ कुछ ट्राई करती हूँ। क्या आप यादगार बर्थडे कार्ड बनाना चाहते हैं? पेपर पर टेप लगाएं और क्रेयॉन को रेजर से शेव करें। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। अब इसे अपनी उंगली से मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके इन रंगों को मिलाएं। दूसरे हिस्से की बारी। और मजेदार इफेक्ट के लिए एक अलग पैटर्न बनाएं। इसे दोबारा मिलाने का समय। सेक्शंस को साथ में मिलाने की कोशिश करें। वाह! अब थोड़ी सी लाइंस को डिफाइन करें। बहुत अच्छा। प्लैनेट बनाने के लिए एक स्टेंसिल का इस्तेमाल करें। सफेद इतनी अच्छी शेप्स ही नहीं बनाता, बल्कि सितारे भी बना देता है। इसे मिलाना ना भूलें। ये बहुत ही लुभावना मास्टरपीस है। ये तो मेरा सॉरी कार्ड है। ओ मामी, आज का मतलब है फ्लो के साथ चलना, और कुछ भी आपकी वाइब खराब नहीं कर सकता। सैंडविच वाला दोस्त भी नहीं। मैं ऐसे नहीं खा सकता।
ठीक है, काम पर वापस जाने का समय। ये प्लेट गंदी भी नहीं है। एक छेद करें और प्लेट को पैलेट में बदल दें। इस तरह के पुराने प्लास्टिक बोतल के ढक्कन लें पेंट को डालने के लिए। पक्का वैन गो इसमें से कुछ इस्तेमाल कर सकता था। इस गन से परेशान हो लाना। टडा! चलो देखो ये कैसे काम करेगा। पेंट को इन छोटे ढक्कनों में डालें। अब बिल्कुल गंद नहीं मचेगा और यहाँ पर बहुत जगह है अपने दोस्त के साथ बैठने के लिए। वाह, बेला का कंसंट्रेशन देखो। अगर आप स्टिल लाइफ पेंटिंग कर रहे हैं तो आपको अपना सारा ध्यान एक एक डिटेल पर लगाना पड़ता है। ओ हाँ, ये तो फ्रिज और दरवाजे पर लगाने लायक होगी या फिर एक पिक्चर फ्रेम में लगाने लायक। ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि मैंने इसे ट्रेस किया हो। और दूसरी थॉट में शायद ये ड्राइंग एक प्रैक्टिस राउंड हो। हम बस इसे अभी के लिए यहाँ रखेंगे। ओ नहीं बेला, तुम्हारा पेंट। ओहो, मुझे पता होना चाहिए था ये होगा। चलो भी जल्दी सूख जाओ। हे, शायद मैं स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैं इसे फूंक मारूं तो ये शायद सूख जाए। ओह, ये मजेदार लाइंस को तो देखो, ये बहुत अच्छी दिखती है। क्या मैंने सच में एक अच्छी ट्री पेंटिंग बना दी या फिर ये मैं ही सोच रही हूँ? और या फिर मुझे इन क्यूटिप्स के साथ कुछ फूल जोड़ने चाहिए। अगर आप अपनी ट्री ब्रांचेस पर इस क्यूटिप से कलर करेंगे तो आपको बिल्कुल असली दिखने वाले फूल मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो शांति बनाए रखें। वाह, किसे पता था कि बस थोड़ी सी मूव से ही इतना बढ़िया मास्टरपीस बन सकता है। ये बहुत सुंदर है बेला। वैसे शायद मुझे इसकी और जरूरत नहीं होगी। क्या मैं बहुत तेज हूँ? एक और दोपहर, एक और आर्ट प्रोजेक्ट। हे दोस्त, अगर मैं यहाँ पेंट करूँ तो कोई परेशानी तो नहीं? सबसे पहले यहाँ अपना सारा सामान रखूंगी। ओह हेलो पेंट पैलेट। और मैं अपने ब्रश के बिना कैसी ही एक पेंटर हूँ। ओहो, अब मैं इस चीज को कैसे इस्तेमाल करूँगी? मेरे पास बाहर जाकर नए ब्रशेस खरीदने का समय नहीं। हे, क्या वहाँ पर क्यूटिप्स पड़ी है? शायद ये मेरे ब्रश की जगह काम करे। मैं बस इसे उधार लूंगी, ठीक है? हे, मुझे वो चाहिए। ओह, एक टूथ ब्रश भी काम आ सकता है। ठीक है, इस सब सामान के साथ मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस आर्ट हैक के लिए आपको एक बड़ा सफेद पेपर का पीस चाहिए और बहुत सारी क्यूटिप्स रबर बैंड में बंधी हुई। अब कुछ पेंट में इस बंडल को डिप करें। कोई बात नहीं अगर ये समान ना हो। और जब ये हो जाए तो पेज के ऊपर अलग अलग स्पॉट्स बनाएं। एक्सेंट कलर्स के लिए बस एक क्यूटिप लें और उसे अपने मनपसंद रंग से करें। और बहुत सारे हरे डॉट्स के बीच में बस दो स्ट्रिक्स ब्राउन रंग की। इसको एक पूरे ट्री में बदल सकती है। अपनी पेंटिंग को असली दिखाने के लिए टूथ ब्रश के ब्रिसल्स का इस्तेमाल करें। छोटे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके अच्छे से घास भी बना सकते हैं। देखा, क्या मेरा नया आर्ट का काम देखना चाहोगी? वाह, तुम तो आजकल की मोनेट हो। अब आखिरी चीज आपको करनी है, आपको एक दीवार ढूंढनी है जिस पर आप ये मास्टरपीस लगा सके, क्योंकि आप इसे हर समय देखना चाहेंगे। वेंसडे, मेरी आज पूरा दिन क्लासेस है। उम्मीद है मेरी सारी बुक्स इसमें फिट हो जाए। अब तक तो सब ठीक है, बस थोड़ी समझदारी से ये सब फिट हो सकती है। चलो भी यार, अंदर जाओ, घुस जाओ। गो, ये बहुत बुरा है। मेरा बैकपैक, मुझे ये सब उठानी होंगी। हे, हुआ क्यों आ रहा है? तुम्हारे पैर, मैंडी। ओह, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो एक साफ रग है। ठीक है, मेरा रग, मैं इससे कुछ बना सकती हूँ। समझ गई। अगर आपके पास एक स्क्वायर फैब्रिक है, उस पर अपना मनपसंद कलर पेंट स्प्रे करो। जितने चाहो उतने इस्तेमाल करो। जब वो सूख जाए उसे उल्टा करो, फिर उसके तीनों किनारों पर हॉट ग्लू लगाइए।
सेम लेंथ का एक और पीस उस पर लगाइए। ये एन में इस तरह का लगना चाहिए और इससे पहले आपको पता चले ये एक बैग है। अब जिपर लगाने का समय है। बस इसे बैग में लगाइए, इसे सिल लीजिए, फिर मैचिंग स्ट्रैप्स लगाइए। काफी अच्छा लग रहा है ना? ये पहले वाले से काफी बड़ा है। मेरी सारी किताबें इसमें आ जाती हैं। सब देखो, मैं और मेरी किताबें आ रही हैं। ये तो रूबिक क्यूब है। अब सोचना होगा। एक रूलर और एक पेंसिल। मैं समझ गया। रूलर से मैं सीधे लकीरें खींच सकता हूँ और गैंगल्स इसे 3D बनाएंगे। मैं क्या कर रहा है? इसने इसे इतना कूल कैसे बना दिया? बस पेपर को पलटना है। ये उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। अच्छे से शेडिंग करने पर चीजें और डायनामिक हो जाएंगी। देखा, पेंसिल अच्छा कंट्रास्ट देती है। बस हो ही गया। अब अगला सुपर डुपर लाइट शेडिंग। तुम इसे मुश्किल से ही देख पाओगे। अब शैडो से ये पॉप अप लगेगा। हाँ, ये इसने कैसे किया? ये तो पेंट से बाहर आ रही है। कितना कूल है। खेलने के लिए तैयार हो? चलो मैं आ रहा हूँ। मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। देखो ये क्या है? और ये गया। वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा लग रहा है मेरी तरफ आ रहे हैं। चलो एक और बार करें। देखो इसे क्या हुआ। हाँ, ये सारे फ्लाइंग कलर्स देखो। थोड़ा भी डिजी महसूस हो रहा है। एक और ट्वर्ल और हो गया। ओ नहीं, क्या ये मेरे चेहरे पर है? ओ, ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेकअप की तरह है। मैंने ऐसी चीज कभी पहले नहीं देखी। हाँ, एब्राकडाब्रा, तुम ड्रॉ करने वाले हो? बैम। लगता है आज हम पागल हो जाएंगे। मैं एक चीज करूँ? चलो करते ही है। मैं सबसे पहले इसे ट्रेस करूंगी। मैं जल्दी से इसे ट्रेस करूंगी और सबसे पहले इन हैंडल्स को। तो चलो, बढ़िया। हाँ, पता नहीं ये क्या कर रहा है। अब काटेंगे। क्या मैं कर भी पाऊंगा? उंगलियों, उंगलियों पर ध्यान देना। ये क्या है? ये क्या है? जो भी है। ये सब क्या है? ये मेरे आर्ट बुक पर आ रहा है। क्या तुमने इसे पहचाना? ये पेड़ों में रहता है और इसे रात में बाहर आना पसंद है। हाँ, ये हो ही कहता है। ये हमारा नया दोस्त आउल है। ये प्यारा है ना? बस हो ही गया। हाँ, ये परफेक्ट है। बस थोड़ा सा रंग। ये नियोन ह्यूज तो बहुत अच्छे हैं। दोनों बन गए। टाडा। इंटरेस्टिंग। और मिलिनी ने भी बढ़िया किया। तो चलो, बहुत बढ़िया। पर अब ये गन कौन साफ करेगा? ओह, मेरी जीन्स। ओ नहीं, लगता है मिलिनी जीत गई। मैं देखूं? देखो मार्कर्स। वाह, खोलो खोलो। वो, ये काफी भारी है। मुहाहा। नहीं, मेरे पास बेहतर आइडिया है।
हे देखो यहाँ बनी कैसे आया। ओ तुम ये कैसे कर रहे हो? वुल्फ को देखो दोस्त। और अब फीचर प्रेजेंटेशन। ये बढ़िया है, तुम टैलेंटेड हो। यूहू, हे रुको, मैं हाथों से ही बात करता हूँ। पर रुको, मेरे पास बेहतर आइडिया है। अब मेरी आंखें एडजस्ट हो चुकी हैं। मैं पेपर पर शैडो पपेट बनाऊंगा। अब मुझे बस ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहचाना इसे? ये इंसान का बेस्ट फ्रेंड है। अब इस डॉगी में बस रंगों की कमी है। ओ, ये मेरा सबसे अच्छा काम है। तुम रुकने नहीं वाले ना? हाँ, पावर गई। ये देखो, फिंगर पपेट से इंस्पायर्ड। लाजवाब, मैंने ही क्यों नहीं सोचा। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। प्यारा है ना? ये बनी है। ठीक है। और इसे भी देखो, बस दो और उंगलियां। तुम ये वाला क्यों नहीं लेते? शुक्रिया। ओह, दोबारा नहीं। कम से कम मेरे पास स्नैक्स हैं। बढ़िया। और आ गया। ओह, मैं आर्ट में अच्छा हूँ, मैथ में नहीं। तुम इसे पढ़ सकते हो? मैथमेटिक्स, मुझे पता है। दो अपना खोलो। क्या मुझे भी एक मिला? सुनो, हमें इन्हें मिलाना होगा। मैं समझ गया। क्या ये तुम हो? देखते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। इसके साथ? हे भगवान, ये इतना तेज क्यों है? हाँ ठीक है, समझ गए। मैं इसे खुद ही देख लेता हूँ, थोड़े आर्ट मैजिक के साथ। एक को जिराफ बनाए, कितना प्यारा है। और दो को एक स्वान, बिल्कुल। पर तीन एक सुंदर तितली में बदलेगा। और चार ये छोटी मछली में, कितना क्रिएटिव है ना? मुझे ऐसी मैथ पसंद है। तुम काफी क्रिएटिव हो केविन, मेरी अभी यहाँ और जरूरत नहीं है। मेरी सॉल्व करना चाहोगे? आर्टिस्ट का काम कभी खत्म नहीं होता। अब देखो और सीखो। हे लिटिल सी हॉर्स, बेबी स्क्वायरल के दोस्त बनना चाहोगे? अब वो तुम्हारा पड़ोसी है। और साथ के साथ हम समुद्र में जाएंगे। और आखिर में एक प्यारा सा टेडी बेयर। हो गया, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें नहीं लगता मैं कोई बहुत थका हुआ है? उठ जाओ। हाँ, सब हो गया। ये देखो, बहुत अच्छे, तुम एक क्रिएटिव चैंपियन हो, एक मॉडर्न डे पिकासो। बोलो चीज़।